हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटर। तो चलिए कैपेसिटर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है कैपेसिटर में। सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटर जो है इसका कंसेप्ट क्या है, ये काम कैसे करता है और इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे या किस फिनोमेना पे ये बेस्ड है। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। एन आइसोलेटेड कंडक्टर कैन नॉट हैव ए लार्ज कैपेसिटेंस। कि अगर आपके पास एक सिंगल कंडक्टर है, एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा है, ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जो अपने पास एक कंडक्टर होगा उसका कैपेसिटेंस स्मॉल होगा। क्यों होगा? जब हम उस कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसकी चार्ज होल्ड करने की एक लिमिट होती है। यहाँ से देखिए, वेन ए कंडक्टर होल्ड से लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, कि जब एक कंडक्टर को लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जाता है, इट्स पोटेंशियल इज ऑल्सो हाई। तो चार्ज हाई होने के साथ साथ उसकी पोटेंशियल भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और जैसे पोटेंशियल हाई होगी, उसके साथ ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हाई एनफ, तो इससे क्या होता है कि जो उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब ये मान लेते हैं ये आपके पास एक कंडक्टर है, किसी भी शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। इसके ऊपर हम चार्ज ऐड करते गए, चार्ज ऐड करते गए, तो आपको पता है जैसे चार्ज बढ़ेगा इसकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल बढ़ने से जो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बढ़ती जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, एक प्रकार की एनर्जी ही तो है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, अब इसकी सराउंडिंग में जो भी आपकी सराउंडिंग है, वो एयर है, वैक्यूम है या कोई और किसी प्रकार की गैस है, तो सराउंडिंग में क्या हो जाता है कि जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी आयनाइज कर देती है। और जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा ये चार्ज इसके सरफेस पे है, इसको मूव होने के लिए यहाँ पे रास्ता मिल जाता है। और इससे क्या होता है, अपना जो सरफेस के ऊपर चार्ज जाता है वो या तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, अगर यहाँ सराउंडिंग में इसको अपोजिट चार्ज मिल जाता है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या फिर हमारा ये चार्ज यहाँ से मूव हो जाता है, कंडक्टर से लीक होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से हम चार्ज डाल रहे हैं और यहाँ से सराउंडिंग में निकल जाए तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। हमने 10 चार्ज डाल लिए, 10 निकल गए, तो क्यू की वैल्यू तो आपकी वही सेम बनी रहेगी और उससे आपकी जो सी की वैल्यू है वो भी सेम बनी रहेगी, चार्ज को होल्ड तो कर ही नहीं पाएगा वो इससे ज़्यादा। तो इस कारण एक लिमिट है एक सिंगल कंडक्टर की, कि वो उससे ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हाई एनफ, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग एयर गेट्स आयनाइज। तो इससे क्या होता है, जो आपकी सराउंडिंग है, एयर जो है, उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं। ए ब्रेकडाउन ऑकर्स इन द इंसुलेशन ऑफ सराउंडिंग, जिससे क्या होता है, जो सराउंडिंग का इंसुलेशन बना हुआ था वो ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है। एंड द चार्ज पुट ऑन द कंडक्टर गेट्स न्यूट्रलाइज और लीक्स अवे, और उससे क्या होता है कि जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है या लीक हो जाता है, उससे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एयर के लिए वैल्यू दी गई है, फॉर एयर द ब्रेकडाउन ऑफ द ब्रेकडाउन पॉइंट ऑकर्स एट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑर्डर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाती है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के ऊपर जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, वो आयनाइज हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसके कारण क्या हुआ, आपका जो कंडक्टर था उसकी चार्ज को स्टोर करने की लिमिट बन जाती है। अब चार्ज को स्टोर करने की लिमिट है तो उसका मतलब उसकी जो कैपेसिटी है या जो कैपेसिटेंस है वो भी लिमिटेड हो जाता है। इस कारण हम एक सिंगल कंडक्टर से जो है उसका कैपेसिटेंस लार्ज नहीं बन सकता, नहीं रख सकते। लेकिन अगर हम ऐसा करें, लार्ज कैपेसिटेंस रखें, तो वो प्रैक्टिकली हमारे लिए ठीक नहीं रहता, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि अगर हमें एक ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो, तो हमने देखा था कि उसका साइज हमारी अर्थ से भी 1500 गुना ज़्यादा होता था। अब ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो या तो उसका साइज इतना बड़ा हो तब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, अगर साइज छोटा रखें तो दूसरी चीज़ क्या है, उसको चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हम एक सिंगल कंडक्टर को जो है उसकी हाई कैपेसिटी नहीं बना सकते। अब कैसे बनाएंगे उसको, देखिए सिंगल कंडक्टर की बजाय हम किस प्रकार से कैपेसिटी उसकी इंक्रीज करेंगे, अब देखते हैं इस टॉपिक पे। व्हाई डज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज, कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्यों बढ़ता है,
व्हेन एन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर इट, कि जब हम उस कंडक्टर के नजदीक एक दूसरा कंडक्टर रख दें और उस दूसरे कंडक्टर को हमने अर्थ कर रखा हो, अर्थ करने का मतलब उसको जो है एक वायर से अर्थिंग दी गई हो, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो देखिए अब ये एक प्रकार का ये क्वेश्चन होगा कि हम किसी एक सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो इसको देखिए समझते हैं, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर ए, जो आपका पॉजिटिवली चार्ज था, क्लियर है। ये जब तक यहाँ सिंगल कंडक्टर था तो जब हम इस पे और चार्ज ऐड करते थे एक लिमिट के बाद इसका चार्ज सराउंडिंग में लीक होना स्टार्ट हो जाता था। अब हमने क्या किया, इसके पास हमने एक दूसरा कंडक्टर रख दिया। अब आपको पता है इंडक्शन फिनोमेना आपने रीड किया था फर्स्ट चैप्टर में, इंडक्शन के कारण जो ये हमारा कंडक्टर है इसके अपोजिट चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो इसकी इस साइड तो इसके ऊपर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव, और इस साइड कैसा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज आपका होता है, तो जो इसके नेगेटिव चार्ज थे वो तो इसके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो पॉजिटिव थे उनको ये क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। तो इस प्रकार की शेप जो आपकी इस कंडक्टर में देखने को मिलती है। अब ऐसा होने से हुआ क्या, देखिए इस सिचुएशन में अगर हम इस अपने वाले कंडक्टर को और चार्ज दें, मतलब इसके ऊपर हम और चार्ज ऐड करें, अब आपको पता है चार्ज लीक होना कब स्टार्ट होता था, जब पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाती थी, पोटेंशियल बढ़ने से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने से आपकी क्या हो जाती थी, जो सराउंडिंग है उसको ये आयनाइज कर देता था। अब हम इस केस में ऐसा करेंगे कि हम पोटेंशियल को बढ़ने ही नहीं देंगे, पोटेंशियल को इंक्रीज ही नहीं होने देंगे, तो अपनी सराउंडिंग को आयनाइज नहीं कर पाएगा ये, तो उससे क्या होगा इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। आपको ये पता है कि जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का फॉर्मूला किसके इक्वल देखा था हमने लास्ट क्लास में, क्यू बाई वी। अब अगर हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किस टर्म को कम करना पड़ेगा, इस नीचे वाली क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, मतलब जो पोटेंशियल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी कम होगी तो ये अपनी बढ़ जाएगी, हम इसी का इसमें यूज करते हैं, हम पोटेंशियल को बढ़ा जो है कम कर देंगे इस प्लेट के ऊपर। तो देखिए इसको कम कैसे करते हैं, जैसे इसको अब हम और चार्ज ऐड करते हैं इसके ऊपर, ये चार्ज ऐड होने से इसके अंदर भी इंडक्शन होता है, इंडक्शन से इसके अंदर क्या बनेगा, चार्ज आपका और ज्यादा इंड्यूस होगा। अब देखिए जो ये इसका नेगेटिव वाला चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट का क्या करेगा, इस पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो कैसे जाता है, दूर की तरफ, और नेगेटिव से अंदर की तरफ। तो जो ये नेगेटिव वाली आपकी जो चार्ज वाली साइड है इस प्लेट की, ये इस पॉजिटिव वाले फील्ड को अपोज करेगी, मतलब ये इसको कम करने की कोशिश करेगी, और जो ये पॉजिटिव वाली साइड है ये उसको सपोर्ट करेगी सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, ये बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब पॉजिटिव वाली तो इस साइड और नेगेटिव वाली आपकी इस साइड, नेगेटिव वाली साइड जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की कोशिश करती है, पॉजिटिव वाली इसको बढ़ाने का काम करती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वैसे ही कम या ज़्यादा होगी। अब हमने क्या किया, जो अपना ये दूसरा कंडक्टर था इसकी इस वाली साइड को हमने अर्थ कर दिया, जैसे ही अर्थिंग देंगे इसको तो आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज था ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या आप इसको ऐसे कह सकते हो अर्थ में चला जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्लियर है। अब देखो इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज वाली साइड थी, जो हमारी इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करती थी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करती थी, वो तो यहाँ से चली गई, और जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कम करने का काम करती थी वो आपकी यहीं पड़ी है। तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर और चार्ज ऐड करेंगे इसके इंडक्शन के द्वारा, ये इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करती जाएगी, कम करती जाएगी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होती रहेगी। तो आपको फॉर्मूले से पता है सी इजिकल टू क्यू बाई वी, अगर वी की वैल्यू कम होगी तो सी क्या आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो देखो चार्ज हम डालते जा रहे हैं, पोटेंशियल कम होती जा रही है, कैपेसिटी क्या होती जा रही है, इसकी इंक्रीज होती जा रही है आपकी लगातार। तो देखिए ऐसा करने से इसके ऊपर फर्क क्या पड़ा, कि हमने जब एक कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर यहाँ रखा तो उससे अपना क्या हुआ कि इस पहले वाले की पोटेंशियल हमने कम कर दी, और पोटेंशियल कम करने से हम क्या देखते हैं कि हम इसको और भी चार्ज देते जाएं तो ये चार्ज लेता रहता है। क्यों लेता रहता है, क्योंकि चार्ज बढ़ने से आपका जो ये वी था ये हमने दूसरे के हेल्प से कम कर दिया,
तो चार्ज आप डालते जाओ, ये उसको और होल्ड करता जाएगा, उससे इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, या इसका कह सकते हैं इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से एक चार्ज कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर अगर अर्थ करके हमने रखा हुआ है तो उससे क्या हो जाता है, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ से इसने लिखा हुआ है, वी सी दैट कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज कंसिडरेबली इंक्रीज व्हेन वी प्लेस एन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर नियर इट। सच ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। यहाँ से देखिए आपके पास कैपेसिटर नाम जो आया है कि आपके पास दो कंडक्टर्स जो होते हैं उन दो कंडक्टर के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसके बाद कैपेसिटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपेसिटर आपका जो है होता क्या है और कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का वो क्या होगा, उन सबको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन देखते हैं। ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। अब देखिए जैसे पिछला टॉपिक किया है, ये आपके पास पहला कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर। कैपेसिटर क्या है, इन दो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट है जो सेपरेटेड बाय मतलब दोनों के बीच में कुछ दूरी है, बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम मतलब इनके बीच में जो मीडियम है वो आपका कैसा है, इंसुलेटर है। दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये जो सिस्टम है, जो कैपेसिटर बोलेंगे इसको हम, इसका यूज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में बड़ा पूछा जाता है, कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे जो चलते हैं, आपके पास कैपेसिटर जो है अलग अलग कई टाइप के होते हैं। आपके पास फर्स्ट टाइप होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके अंदर क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं इस प्रकार से एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था कि किस प्रकार से कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे। ये आपका एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट के नाम से। एक आपके पास होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक आपके पास होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। इनमें से ये स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट वाला है, उसको हम आज करेंगे। इसके बाद कैपेसिटर की जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे है, दिखाते कैसे हैं कैपेसिटर को हम, उसका सिंबल क्या होता है। देखिए ये वाला आपका सिंबल है कैपेसिटर का और ये वाला भी आपका सिंबल है कैपेसिटर का। अब बात आई दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए अगर आपने ये सिंबल देखा हो रेजिस्टेंस का और एक इसी प्रकार के सिंबल में ये एरो लगी देखी हो, अगर इनका मीनिंग आपको पता होगा तो इनका मीनिंग भी सेम है। ये क्या होता था रेजिस्टेंस और ये होता था वेरिएबल रेजिस्टेंस, या जिसको हम रियोस्टेट बोलते थे कि जिस रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकें। अब यहाँ पे ये क्या है कैपेसिटर, ये आपका एक फिक्स कैपेसिटी वाला कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो आपका है फिक्स है। लेकिन जो ये वाला कैपेसिटर है ये एरो ये दिखाती है कि इसकी कैपेसिटेंस जो इसकी जो वैल्यू है उसको हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका वेरिएबल कैपेसिटर, ये आपका फिक्स्ड कैपेसिटर, ये आपके इनके सिंबल्स हैं। इसके बाद जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम कर चुके हैं पहले, जो सी होता है आपका क्यू बाई वी के इक्वल, ये हम पढ़ चुके हैं। ये चार्ज बाई पोटेंशियल, और यहाँ से ये डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस को हम 1 फैरड का बोलेंगे, इसकी यूनिट जो है ऐसा यूनिट फैरड है, हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। और इसको 1 फैरड का बोलेंगे कि जब हमें 1 कूलम चार्ज हम दें और उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो दो प्लेट्स के बीच में वो आपका क्या हो जाए 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे 1 फैरड। ये देखिए यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दी गई है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर मे बी डिफाइंड एज चार्ज रिक्वायर्ड टू सप्लाई टू आइदर ऑफ द कंडक्टर्स सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बाई यूनिट अमाउंट। कि दो कंडक्टर्स के बीच में जो चार्ज होगा, ये देखिए चार्ज, ये जो दो कंडक्टर ये दोनों के ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर भी क्यों, इसके ऊपर भी क्यों, एक के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी का, एक के ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी का। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो चार्ज दोनों के ऊपर क्यों है, तो टोटल कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, वही आपका क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस। ऐसा यूनिट आपकी फैरेड है, ये हम कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है आपका ये क्या होता है,
एक कैपेसिटर का टाइप है और ये किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। सबसे पहले हम, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ये दी गई है आपको। हम मान लेते हैं प्लेट्स का एरिया ए है, इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया ए, एक के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस के एक के ऊपर माइनस के, दोनों के बीच प्लेट के बीच में डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल डी है। ये सारी बातें आप लिख के बता दोगे, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अच्छा, इसके बाद जो है चार्ज डेंसिटी मानी गई इसकी, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, पॉजिटिवली चार्ज वाले की प्लस सिग्मा, नेगेटिव वाले की माइनस सिग्मा। ये जो है हम आपकी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है दो प्लेट्स की। और इसके बाद अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आपको निकालना है कैपेसिटेंस सी। कैपेसिटेंस सी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्यू बाई वी, ये दो चीज चाहिए। चार्ज तो क्यू आपको पता है प्लेट्स के ऊपर इतना है, ये क्यू क्या है, चार्ज ऑन आइदर प्लेट। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, वी की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जो वी का फॉर्मूला था आपका वो किसके बराबर होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक जो आपका था वी बाई डी को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाए तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, और पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी तो आप क्या निकाल दोगे, फिर कैपेसिटेंस निकाल दोगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखिए, अब यहाँ से जो हमने जो टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, कि आपके पास प्लेन सीट हैं, इस प्रकार की प्लेन सीट थी, उनके यहाँ रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, एक बार तो सेम चार्ज प्लेट के लिए, एक बार अपोजिटली चार्ज प्लेट के लिए। अब उसका रिजल्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे। देखिए, अपने पास दोनों प्लेट कैसी हैं, अपोजिटली चार्ज हैं। अपोजिटली चार्ज प्लेट का जब हमने टॉपिक किया था, हमने देखा था इस रीजन में और इस रीजन में दोनों जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था, क्योंकि एक की डायरेक्शन ये थी, एक की डायरेक्शन ये, मैग्नीट्यूड सेम होता था, दोनों को जब ऐड करते थे तो वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ बचता था इस बीच वाली जगह पे, और उसकी वैल्यू कितनी बचती थी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। वो अब हम यहाँ सीधा पुट करेंगे। देखिए, यहाँ से बताया गया है कि जो आउटर रीजन और लोअर रीजन है प्लेट से, ये प्लेट से ऊपर का आउटर रीजन, ये लोअर रीजन, इन दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड बचा कहाँ, बिटवीन द टू प्लेट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो देखिए, द इनर रीजन बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये पहली प्लेट के कारण, प्लस में सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये दूसरी प्लेट के कारण। जब इसको ऐड करोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसकी आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, वो कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी हमने कोई डेरिवेशन नहीं करनी, डायरेक्ट हमने पीछे से रिजल्ट उठाया और एज इट इज उसको पुट कर दिया। अब इसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, उससे हम पोटेंशियल की वैल्यू निकाल देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस वी किसके इक्वल होगा, ई इंटू डी के। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। अब V की वैल्यू आपको मिल चुकी है, आपको तो C निकालना है। C की वैल्यू आपको पता क्या होती है, Q बाई V। तो यहाँ से क्या करो, इस V की वैल्यू पुट कर दो, तो सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट रिवर्स होके ये बच जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब ये देखिए, यहाँ से जो चार्ज था, चार्ज को आपने डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, चार्ज बाई एरिया। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंटू एरिया। तो ये डेंसिटी इंटू एरिया आपने यहाँ पुट कर दिया, तो आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब यहाँ से आपसे ये पूछ सकता है कि किसी कैपेसिटर की अगर आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, या किस किस फैक्टर पे उसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट क्या है, उन दोनों कंडक्टर के बीच में जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी, उस पर डिपेंड करता है, कह सकते हो मीडियम के नेचर पे। सेकेंड क्या है, ए, ए क्या था, एरिया ऑफ प्लेट, उस पर डिपेंड करता है। और थर्ड क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना डी बढ़ेगा उतनी ही सी की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होगी। जितनी प्लेट दूर दूर होंगी सी की वैल्यू कम, और जितनी एक दूसरे के क्लोज होंगी, मतलब ये वैल्यू छोटी होगी जितनी, उतनी ही सी की वैल्यू ज़्यादा।
तो ये आपके वो फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, एरिया और परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपका कैपेसिटर, और कैपेसिटर का एक टाइप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने किया है। जो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको बुक में से रीड कर सकते हैं, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।